उदयपुर में दो छात्रों के आपस में भिड़ने के बाद खूनी संघर्ष की वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। आज दूसरे दिन घायल हुए छात्र की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। शहर भर में अलग अलग तरीके से लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उसकी स्थिति में लगातार सुधार हो। फिलहाल उदयपुर के MB अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। अलग अलग थानों की पुलिस यहाँ पर लगाई गई है और इसके साथ ही हर आने जाने वाले व्यक्ति पर पुलिस नज़र रख रही है। इसी बीच कार्डियोलॉजी यूनिट में घायल छात्र का इलाज जारी है। उसके पिता विदेश यानी कुवैत रहते हैं और कुवैत से वे उदयपुर पहुँच चुके हैं। तमाम परिजन जो है वो घायल छात्र का ध्यान रख रहे हैं। इसी बीच हर एक घंटे में घायल छात्र की रिपोर्ट्स को अपडेट किया जा रहा है, उसकी अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कहा जा रहा है कि कल वो एक ऑपरेशन के बाद आज दूसरा ऑपरेशन होगा, क्योंकि उसे यूरिन पास करने में एक बड़ी दिक्कत हो रही है। इस वजह से उसे किडनी में प्राइमरी लेवल पर इन्फेक्शन बताया गया है। ऐसे में आज फिर उसका दूसरा ऑपरेशन होगा। और इसी बीच शहर भर में हिंदू संगठनों की स्थिति आज नियंत्रण नज़र आ रही है। जिस तरह से कल उदयपुर में आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई थी, पथराव की स्थिति सामने आई थी, इसी बीच अलग अलग अतिरिक्त टुकड़ियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। अलग अलग संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस की टुकड़ियाँ तैनात कर दी गई और आज दूसरे दिन फिर इस तरह की स्थिति ना बने इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस सजग नजर आ रही है। सतीश शर्मा, उदयपुर। जो बच्चा है उसका इलाज हो रहा है और उसके स्वास्थ्य में निरंतर रिकवरी हो रही है और यहाँ शांति व्यवस्था है। और हम आप लोगों से यही अपील करते हैं, मीडिया बंधुओं से, सामाजिक संगठनों से, आम पब्लिक से, कि सबका सहयोग करें और उदयपुर की जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसी सुरक्षा लगी हुई है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बढ़िया से बढ़िया जो चिकित्सक है वो इलाज कर रहे हैं और बच्चे के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। पुलिस व्यवस्था माकूल है, यहाँ लोकल SHO साहब है वो भी अभी आए हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं और CI साहब और बाकी जो जाब्ता है वो पूरा तैनात है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, संगठनों से, आम पब्लिक से, कि हमारा सहयोग करें और उदयपुर की शांति के लिए सब मिलकर अपन काम करें।